Hi, this is Kailas and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 4 of exercise 8.1. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ये हमें स्क्वायर दे रखा है, ड्रॉ किया हमने स्क्वायर ए बी सी डी. इसमें हमें इसके डायगनल क्या दे रखे हैं, इक्वल, और इच अदर प्रूव करना हमें कि ये डायगनल ए सी और बी डी हमारे इक्वल है. और क्या करते हैं, एंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का. यहाँ पे जैसे बी ओ सी सी ओ डी हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी स्क्वायर, और प्रूव करना हमें ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी, और डायगनल इक्वल होंगे तो हमारी ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ ए सी और बी ओ ओ डी का हो जाएगा. तो प्रूफ में सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, ए सी बी डी को, ए सी इस वाली में और बी डी यहाँ पे, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले जाएंगे. बी ए सी ये वाली ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारा ए सी आ जाएगी, और बी ए डी ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा. तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी. दोनों ट्रायंगल में क्या दे रखा हमें, एक तो इनमें हमारा ए बी कॉमन हो गया, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया. एंड सेकेंड चीज हमारे क्या हो गई, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी क्या हो गया, 90 डिग्री का. एंगल ए बी डी ये वाला, सॉरी बी ए डी और ए बी सी, ए बी सी ये वाला और पूरा ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. क्यों, क्योंकि स्क्वेयर का जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. लिखेंगे इसके अंदर हम ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. सो ये दो चीज होगी. तीसरी हमारी क्या दे रखा है, ये जो हमारी ईडी है ये बीसी के क्या इक्वल दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है, तो इसको लिख देंगे हम. सो थर्ड हम इसमें क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन देंगे साइड ऑफ स्क्वेयर इज एंगल इक्वल, क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है. सो तीन चीज हमने प्रूव कर दी, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी. अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इसके जो पार्ट है हमारा बी डी और ए सी डायगनल इक्वल हो जाएंगे. सो लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या देंगे, सीपी सी टी, सीपी सी टी से हो जाएंगे ये. सो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि ए सी इक्वल टू बी डी. अब करेंगे हम ए ओ सी ओ और डी ओ को. तो इसके लिए हमें ट्रायंगल कौन सी चाहिए, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल और सी ओ डी ये दोनों ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. इन दोनों में हमें क्या दे रखा है, हम लेट कर लेते हैं. अगर हमारा ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल हमारा 2 है, इस वाले एंगल को 3 लेट कर लेते हैं और इस वाले एंगल को 4 लेट कर लेते हैं. अब इसके अंदर जो हमारा एंगल 1 और एंगल 3 है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल और पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके बीच में. तो ये वाले एंगल हमारे क्या बनाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो लिखेंगे इसके अंदर हम, लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड थर्ड वन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ स्क्वेयर इक्वल होती है, साइड ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल. ओके, तो तीन चीज अगर हमारी इक्वल होगी तो इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव लिख सकते हैं. सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी. अगर दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने इसको दोनों साइड को, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इसके प्रूव है, ये वाला पार्ट है जो हमारा ए ओ इसके सी ओ के इक्वल हो जाएगा, बी ओ हमारा ओ डी के इक्वल हो जाएगा. बस ये हमें प्रूव करना था, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन क्या देंगे, बाय सी पी सी टी, और लिख देंगे नीचे प्रूव कि हमने ये प्रूव कर दिया और सी पी सी टी से प्रूव किया इसको. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ना हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर. हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर हमने ड्रॉ किया है और इसके डायगनल को हमने ज्वाइन किया है, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं. जो
इसके अंदर हमें गिवन में क्या दे रखा है, ए सी और बी डी दोनों डायगोनल इसके क्या है, इक्वल है। अगर और ये बाइसेक करते हैं, अगर बाइसेक कर रहे हैं तो मीन्स ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ये ए ओ बी, बी ओ सी, ये सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री का होगा और इनका जो पार्ट है इक्वल हो जाएगा। जैसे ए ओ और सी ओ इक्वल हो गया, बी ओ और डी ओ इक्वल होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज स्क्वेयर, हमें इसको स्क्वेयर करना प्रूव करना है। तो स्क्वेयर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं इसकी, तो स्क्वेयर प्रूव करने से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रोम्बस करेंगे इसको प्रूव। रोम्बस में क्या होता है, अगर चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस बन जाएगा, तो इसको रोम्बस प्रूव करेंगे पहले। फिर अगर हमने एक भी एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस और स्क्वेयर में सिर्फ यही डिफरेंस है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है और उसके दोनों में साइड इक्वल होती है, बट स्क्वेयर में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम इसको रोम्बस प्रूव करते हैं। सो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ बी, दोनों ट्रायंगल ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फिर इनकी साइड सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगी, तो दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या इक्वल दे रखा है, ए ओ इक्वल टू सी ओ गिवन हो गया। दूसरा इनमें क्या, ओ बी साइड कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये हो गया हमारा गिवन। एंड थर्ड क्या हो गया हमारा, और थर्ड हमारा दे रखा है इसका एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल वन मान लेते हैं और इसको एंगल मान लेते हैं एंगल टू। तो वैसे करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या हमें गिवन है। अगर तीन चीज हमारे पास आ गई तो दोनों क्या क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सो लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, और रूल्स किस रूल से हुई है हमारी, इसमें दो हमारी साइड है और एक एंगल है, तो क्या आ जाएगी, साइड एंगल साइड से होगी। तो सी पी सी टी से हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी दोनों साइड इक्वल होगी, रीजन देंगे बाय सी पी सी टी। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन वन। सेम ऐसे अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, फिर ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, तो इन सब में कॉमन क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट एक तो कॉमन हो जाएगा इसमें। तो सेम हम ऐसे इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसको इसको करेंगे, इसको इसको और इसको इसको। तो इनमें हमें सब में ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में यही कॉमन है, एक एक साइड सबकी कॉमन है, और ये वाले एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव दे ही रखे हैं, और ये वाला इसमें अगर ये प्रूव करेंगे तो ये वाली इसके हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सो हम लिख देंगे सेम एज ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, बी ओ सी और डी ओ सी इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे एलेट कर लेंगे एंगल थ्री, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये साइड दोनों में कॉमन हो जाएंगी, और बीओ और डीओ हमें दे रखा, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमारी प्रूव किया हमने, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये बी सी सी डी के इक्वल हो जाएगी, सी पी सी टी से हो जाएगी। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन टू। लिखेंगे सेम एज ट्रायंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाली इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो इसमें हमारी साइड क्या दे रखी है, ये सी डी और ए डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, इक्वेशन थ्री सी पी सी टी से हो जाएगी। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई तीनों से, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इन तीनों से हम क्या लिख सकते हैं, वन ये वाली ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल, और सी डी ए डी के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे चारों, तो लिखेंगे इसको ए बी बी सी के है, और बी सी फिर सी डी के है, सी डी देन ए डी के, तो इससे हमारी ए बी सॉरी ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड हमारी इक्वल प्रूव किया हमने। अगर चारों साइड हमारी इक्वल होगी तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। लिखेंगे सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये तो हमने इसको रोम्बस प्रूव किया। अब क्या करेंगे हम इसको, बट हमें प्रूव क्या करना था,
स्क्वेयर प्रूव करना है, तो हम इसको स्क्वेयर प्रूव करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। अगर हमने एक एंगल भी 90 डिग्री का प्रूव कर दिया तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी ये बड़े वाली ट्रायंगल और बी ए डी ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दे रखा है, इसमें हमारा दे रखा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि ये भी यहां से स्टार्ट है ये यहां से, तो दोनों का बेस सेम है, तो ए बी इक्वल टू ए बी हमने कॉमन कर दिया। सेकंड बी सी और ए डी अभी हमने इक्वल प्रूव किया है यहां से, तो लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी। इसका रीजन हम दे सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी इज ए रोमबस। एंड थर्ड वन ए सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के, ए सी है ये हमारे बी डी के गिवन दे रखा है इसने, तो ये तीनों हमारी इक्वल होगी यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं इसको, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी पी सी टी से, और इसके रीजन भी लिखेंगे हम किससे हुए, तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 रूल से हुई है, और तीनों अगर ए बी सी और बी ए डी तो हमारे दोनों में एंगल क्या आ रहा है, एंगल ए और एंगल बी, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और बी हमारा इक्वल हो गया, और इसके अंदर अगर ये रोमबस है तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा ए और एंगल बी, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री का आएगा, क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। जैसे ये दोनों हो गए, उसको ये क्या ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसके वैसे भी रोमबस के अंदर क्या है, अंदर वाले को क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल, एंगल बी और एंगल बी ए क्या इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए 180 डिग्री, तो एंगल ए हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं ये स्क्वेयर है, क्योंकि चारों साइड इक्वल और एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वेयर बन जाएगा। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ये हमें प्रूव करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट, ये हमारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, इसके अंदर हमारा क्या है एंगल ए, ये जो एंगल है इसको डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, बाइसेक्ट करा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ओके सेम ऐसे हम इसको करेंगे एंगल 3 और एंगल 4। तो हमें प्रूव करना है शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ये हमें दे रखा कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट करना, हमें प्रूव करना कि एंगल सी भी इसको बाइसेक्ट करना, अगर हमने एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल प्रूव कर दिया तो ये क्या होगा इसको बाइसेक्ट करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो हमें क्या दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन देंगे ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 इसको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेकंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा हमारा, ये एंगल 2 है ये एंगल 4 है, ये यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, और एंगल 1 और एंगल 3 ये इसके इक्वल होगा, क्यों क्या बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो क्या है पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन देंगे दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें प्रूव क्या करना, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं एंगल 1 एंगल 3 को, सो फ्रॉम
वन टू एंड थ्री, तीनों से हमने क्या किया एंगल वन टू के इक्वल है, टू फोर के इक्वल और एंगल वन थ्री के इक्वल है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, मीन्स ये चारों एंगल इक्वल होंगे आपस में। सो चारों एंगल हमारे इक्वल हो गए, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन फोर। अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसमें हमारा एंगल थ्री इक्वल टू फोर भी दे रखा है, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल सी क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है। सो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हमें प्रूव करना कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो दे रखा है उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में क्या करते हैं हम चारों साइड को इक्वल प्रूव करते हैं। तो चारों साइड को इक्वल प्रूव हम कैसे करेंगे, सबसे पहले चारों एंगल फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया एंगल, तो इसको हम इक्वल लिखेंगे। एंगल वन इज इक्वल टू टू थ्री और फोर, एंगल चार हमारे इक्वल हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल वन के सामने हमारी कौन सी साइड है, ये एंगल वन है, इसके अपोजिट साइड है हमारी सी डी यानी डी सी। एंगल टू के सामने हमारी कौन सी ये वाला है, इसके सामने हमारी बी सी। और एंगल थ्री जो है इसके सामने हमारी ए बी, और एंगल फोर जो दे रखा है इसके सामने हमारी क्या दे रखी है ए डी। तो एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमारी इक्वल दे रखी, प्रूव कर देंगे इसको। तो इसको लिखेंगे एंगल वन के सामने क्या लिखेंगे सी डी, टू के सामने क्या दे रखी है बी सी, थ्री के सामने ए बी, और चारों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, इसके सामने दे रखिए ए डी। और इसका रीजन हम क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मीन्स जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी उसके इक्वल होगी। तो ये चारों आपस में एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड है वो भी हमारी इक्वल होंगी। सो इसको हम लिख सकते हैं, क्या प्रूव करना था ए बी सी डी जे रोम्बस, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड अगर हमने इसकी इक्वल प्रूव कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा रोम्बस। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, और हम इसमें हमें यही प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड सो हियर इज कंप्लीट अवर टुडेज वीडियो, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज।